स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। नालागढ़ में एक युवक पर एयरगन से हमला किया गया है। घायल व्यक्ति को नालागढ़ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालत गंभीर देखते हुए पीजीआई रेफर किया गया। एयरगन से हमला कर सरिये से की मारपीट। फिलहाल जानकारी इस वक्त आपको देते हैं। एयरगन से हमला कर सरिये से मारपीट का यह मामला सामने आया है। नालागढ़ से आपको खबर दे रही है। नालागढ़ में एक युवक पर एयरगन से हमला किया गया है। हालत गंभीर देखते हुए उसे पीजीआई रेफर किया गया है। एयरगन से हमला कर सरिये से मारपीट की गई है। चार युवकों ने यह हमला किया है। नालागढ़ में एक युवक पर एयरगन से हमला। घायल व्यक्ति को नालागढ़ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालत फिलहाल बहुत गंभीर है, इसलिए उसे पीजीआई रेफर कर दिया गया और एयरगन से पहले हमला किया गया, उसके बाद सरिये से मारपीट की गई और चार युवक बताए जा रहे हैं जो इस वारदात में शामिल हैं। फिलहाल पुलिस ने ये मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जाँच शुरू कर दी है। लेकिन अपने आप में दुखद घटना है कि होली के इस त्यौहार में किस तरीके से रंग में भंग डालते हुए ये लोग नजर आए, जहां पर एक युवक को पहले एयरगन से उस पर हमला किया गया, उसके बाद उसके साथ मारपीट की गई और हालत इतना गंभीर है कि उसे पीजीआई रेफर कर दिया गया है। चार युवक बताए जा रहे हैं जिसने इस वारदात को अंजाम दिया है। अधिक जानकारी शुरू करते हैं संवाददाता अजय रतन का। अजय, जानकारी दीजिए, नालागढ़ में एक युवक पर एयरगन से हमला किया गया, किस वक्त की घटना है? जी, आपको बता दूं कि ये कल देर शाम की जो घटना है, जब होली मनाने के बाद काम करने वाले मजदूर हैं जो वही फैक्ट्री में क्वार्टर जो है वही पर रहते हैं, तो कुछ दोपहर को इनका आपस में कोई किसी बात को लेकर जो है वो झगड़ा हुआ, लेकिन बीच बाजार में यार दोस्तों ने इनका झगड़ा जो है वो छुड़वा दिया। लेकिन देर शाम को दोबारा से जो है वो इनमें आपस में झगड़ा हुआ, तो एक युवक द्वारा वहीं पर जो पड़ी एक एयरगन थी, ऐसा उसके दोस्त ने बताया है कि भी एयरगन से जो है उसने वो छर्रा जो है उससे उसमें फायर किया ताकि उसके सिर पे लगा और उसके साथ मारपीट भी की गई। तो उसके बाद उसको जो है नालागढ़ अस्पताल लाया गया। जब नालागढ़ अस्पताल में उसका जो है वो आपको बता दें कि सिर जो है वो उसमें टांके लगे और ब्लीडिंग जो है वो नहीं रुक रही थी, तो वो ये देखकर जो है उसको पीजीआई रेफर किया गया। हालांकि जब इस मामले में जब पुलिस से इस बात की गई है तो पुलिस जो है अभी इस मानने को तैयार नहीं है क्योंकि वो एयरगन से जो है वो छर्रे से उसका हमला हुआ है, तो अभी भी तहकीकात चल रही है और पूरी सच्चाई जो है वो वहाँ सीसीटीवी कैमरेज भी हैं और भी लोगों से पूछताछ की जा रही है, तो पूरी सच्चाई पता लगेगी कि वो एयरगन से हमला किया है या वहाँ जो सरिया, आपको बताने की वो सरिये बनाने वाली फैक्ट्री है, तो लोहा या और किसी चीज से जो है उस पर वार किया गया। जी ममता जी, लेकिन अजय ये भी जानकारी दीजिए, जो युवक पर हमला हुआ है उसकी हालत फिलहाल कैसी है? जी, आपको बताने की उसके सिर पर जो है वो चोटें आई हैं काफी, और सरिया जो आसपास जो है सरिया पड़ा था सरिये से भी काफी मारा गया है, तो देखा जा रहा था कि जब हम कल उससे मिले तो उसके बदन पर भी जो है वो काफी चोट के निशान थे। हालांकि बदन के चोट से तो ज्यादा गंभीर हालत नहीं है, लेकिन जो सिर पे उसके टांके लगे थे तो वहाँ ब्लीडिंग जो है उस समय नहीं रुक रही थी, यहाँ पर तो ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी, इसीलिए जो है उसकी हालत थोड़ा सा देखते हुए उसको पीजीआई रेफर किया गया और जब सवेरे मेरी उससे बात हुई है तो अभी थोड़ा सा जो है वो अभी ठीक है। और चार लोगों का नाम इसमें शामिल है, चार युवक बताए जा रहे हैं, क्या उनसे कोई पूछताछ हुई है, वो कौन है, पुलिस ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ अब तक कार्रवाई की है? देखिए, आपको बता दें कि ये वही क्वार्टर में रहते थे, ये चार युवक जो हैं वो एक साथ ही काम करते थे, तो जब ये पुलिस के पास में ये मामला पहुंचा, पुलिस ने जो है मेडिकल कराया, मेडिकल कराने के बाद जो है वो पीजीआई जो है उसको लेकर गए हैं और पुलिस ने वो चारों युवक का जो है वो थाने में बुलाया है। और अभी भी आपको बता दें कि अभी जो है जब पुलिस के डीएसपी से बात हुई है तो उनका ये मानना है कि जो एयरगन वहां पर जो मिली है तो उससे जो है वो छर्रा नहीं निकल सकता है, फिर भी जो उसका दोस्त है उसने मौके पर ये बयान जरूर दिया है कि भी छर्रे से ही जो है उस पर घायल हुआ है, तो अभी पुलिस जो है आज पूरा क्लियर हो जाएगा
क्या कारण रहे हैं उसके चोट लगने के। जी ममता जी, ठीक है, बहुत धन्यवाद अजय आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल अभी जांच चल रही है और जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर किस चीज़ से हमला किया गया है, क्योंकि जो जानकारी सामने आ रही है वो ये है कि जो एयर गन है उसका इस्तेमाल किया गया, लेकिन पुलिस ये मानने को तैयार नहीं है। फिलहाल आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले पर जांच पुलिस की ओर से की जाएगी। युवक अस्पताल में इस वक्त भर्ती है जहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। तो सिर पे चोट लगने की वजह से हालत ज्यादा गंभीर है। चलिए बढ़ते आगे, बॉलीवुड अभिनेता और निर्देशक सतीश कौशिक का निधन हो गया है। 66 साल की उम्र में दुनिया को उन्होंने अलविदा कहा है। दिल का दौरा पड़ने से ये मौत हुई है। सिनेमा जगत में शोक की लहर है। करीबी दोस्त अनुपम खेर ने ट्वीट करके इस बाबत जानकारी दी है। तो दुखद खबर आज निकलकर सामने आई है सुबह सवेरे। कल होली का त्यौहार मना रहे अभिनेता और आज दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो जाती है। उन करीबी दोस्त अनुपम खेर ने ट्वीट करके इस बाबत जानकारी दी है। तो अपने अभिनय से लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले सतीश कौशिक आज दुनिया को अलविदा कह गई हैं। आपको बता दें सतीश कौशिक को गांव से बहुत लगाव था। वो हरियाणा के रहने वाली हैं और उनके बहुत बड़े बड़े ख्वाब थे। उन्होंने हरियाणा के लिए काफ़ी कुछ सोचा था और सतीश कौशिक बॉलीवुड के सबसे जिंदा दिल और खुश मिजाज इंसान थे। बीते दिन दिल्ली में होली सेलिब्रेशन के बाद अचानक उनको बेचैनी होने लगी। तबीयत बिगड़ने के बाद उनको अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर्स ने उनका उपचार किया, मगर एक्टर को बचाया नहीं जा सका। अभिनेता के निधन के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री गमगीन है। उन्होंने हिंदी सिनेमा के हर दिग्गज कलाकार के साथ काम किया है। यही वजह है कि हर कोई उनको अपने तरीके से याद कर रहा है। सतीश कौशिक ने सिनेमा में कॉमेडी के दमदार किरदार निभाए हैं, लेकिन उनको सबसे ज़्यादा फिल्म मिस्टर इंडिया फेम जो ने मिला, मिस्टर इंडिया में कैलेंडर के किरदार के लिए मिला है। तो आज उनके कई फिल्में हैं, उनके किरदार हैं जो याद आ रही हैं। अपने करियर में उन्होंने खूब काम किया है, लोगों के दिलों पर राज किया है। उनके चुटकुले, उनकी एक्टिंग से लोग हंसते थे, मुस्कुराते थे, लेकिन अचानक से दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। अनुपम खेर ने, उनके सबसे खास दोस्त, उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी साझा की है। बॉलीवुड के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। कपिल सहगल इस वक्त हरियाणवी कलाकार फोन लाइन पे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। धन्यवाद सर समय देने के लिए। कपिल जी, सवाल ये है कि बॉलीवुड अभिनेता निर्देशक सतीश कौशिक आज हमारे बीच नहीं है, हरियाणा के निवासी हैं और 66 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली, लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल है, कल होली मना रहे थे, आज अचानक से उनकी मृत्यु हो जाती है, अपने आप में गमगीन माहौल है। लगता है संपर्क टूट गया है, दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने आप में हरियाणा के लिए, क्योंकि हरियाणा से वो बिलोंग करते थे और सरकार के साथ उन्होंने कई तरीके की टाई अप किए हुए थे जो नई पॉलिसीज लेके आएंगे, लेकिन उनके बहुत से सपने ऐसे थे जो अधूरे रह गए, क्योंकि अचानक से ये जो हार्ट अटैक का केस आजकल सामने आ रही है उसने लोगों को समझने और जानने का भी समय नहीं दिया है। ऐसे में कल जहाँ होली खेल रहे थे आज उनका निधन हो गया। कपिल सहगल हरियाणवी कलाकार इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, सिनेमा जगत में आज शोक की लहर है, क्योंकि सबको हंसाने वाले, आज सभी की आंखें नम कर गई हैं। बिल्कुल, बड़ा आज हम सबके लिए, मैं चाहता हूँ, कहता हूँ कि कलाकार जगत ही नहीं, हर वो व्यक्ति जो हंसना चाहता था, जिनको हंसाया, सभी वो व्यक्ति आज गमगीन हैं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति दुनिया को छोड़ करके चला गया।
शायद हम सब सपने में भी नहीं सोच सकते थे। बिल्कुल, और कपिल क्योंकि हरियाणा से आप भी हैं और वो भी हरियाणा से ही आते थे। बिल्कुल, और साथ ही साथ हम सबके लिए बड़ा गर्व का विषय था कि ऐसा एक महान व्यक्ति हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले से वो उन्होंने अपना सफर शुरू किया और न कि पूरा बॉलीवुड पूरा हॉलीवुड उनको व्यक्तिगत रूप से उनके काम के रूप से भली भांति जानता था, पर तो युवा कलाकार नया जो जो इस क्षेत्र में कदम रखना चाहते थे कहीं ना कहीं वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत थे, प्रेरणा स्रोत हैं, प्रेरणा स्रोत रहेंगे। अनिश की हम कमी कभी पूरी नहीं कर सकते, एक बॉलीवुड जगत ही नहीं पूरा हॉलीवुड पूरी पूरी इंडस्ट्री ये कमी अपूर्णीय कमी है, इसको हम इस कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। कपिल कभी मुलाकात हुई सतीश जी से? जी आपकी कभी मुलाकात हुई उनके साथ? हाँ, मेरी 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 जब वो रोहतक आए तो कुछ मिनट की मेरी वार्तालाप उनसे बड़ी अच्छी भेंट हुई और उनके मन में जो काम करने का एक जो लगाव था ना कि वो चाहते थे कि हमारा हरियाणा का जो इंडस्ट्री है वो आगे बढ़े, व्यक्तिगत रूप से मेरी 2-3 मिनट उनसे बातचीत हुई और वो उनके मन के अंदर जो बात थी कि भले ही रोहतक में अच्छा काम हो रहा है, हरियाणा में अच्छा काम हो रहा है, लेकिन मुझे ये लगता था कि कहीं उनके उनके अंदर की जो मंशा थी वो पुनः हरियाणा के अंदर हरियाणा के लोगों को हरियाणा के कलाकारों को उस लेवल पर ले जाना चाहते थे कि जहाँ पर वो कोई कोई रोक टोक ना हो, क्योंकि हरियाणा में के अंदर कला की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल, और वो भली बात थी, वो समझते थे। और यही बात है कि सतीश कौशिक ने हरियाणा फिल्म पॉलिसी भी बनाई थी और नए कलाकारों को भी तैयार किया था, हालांकि उनका ये सपना भी अधूरा रह गया। हरियाणा फिल्म पॉलिसी बनी तो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने उनको स्पेशली बुलाया कि आप इसके अंदर देखिए क्या कमियां हो सकती हैं, क्या खामियां हो सकती हैं, कहां से हम और इस पॉलिसी को आगे बढ़ा सकते हैं। वो फिल्म पॉलिसी का बड़े अहम हमारे हिस्सा थे कि हरियाणा को जो क्षति पहुंची है इस लेवल तक भी उसको पूरा नहीं किया जा सकता। आज शायद मेरे शब्द लड़खड़ा जाएं, मैं बोलने की स्थिति में भी नहीं हूं कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा महान व्यक्ति आज हमारे रातों रात हमारी जगत से ओझल हो गया शायद, लेकिन वो हमारे मन में जिंदा रहेंगे। बिल्कुल, हमारे मन में जिंदा रहेंगे उनकी बातें, उनके पिक्चर्स, उनके वो मज़ेदार डायलॉग्स आज सभी के जहन में हैं। लेकिन कपिल, कुछ ऐसा यादगार लम्हा जो उनके साथ रहा हो या उनकी कोई चीज़ जो आपके लिए बहुत प्रेरणादायी रही हो? मैं बड़ा साधारण सा व्यक्ति था, जब मैं आज भी बड़ा साधारण हूँ। जब मेरी पहली बार उनसे भेंट हुई तो मेरा परिचय किसी ने कराया कि ये कपिल सहगल है और क्योंकि मैं राजनीति से भी जुड़ा रहा हूँ तो उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक कार्यकर्ता है और सांस्कृतिक जिम्मेदारी मेरे पास थी, तो उन्होंने मैं पैर छूने के लिए जैसे उनके करीब गया तो उन्होंने मुझे अपने सीने से लगा लिया, भले यार आप हमारे हमारे युवा हैं, हमारे कलाकार भी हैं और युवाओं की बात आप रखते हैं तो आप मेरे सीने से लगे। उन्होंने मुझे अपने दिल में बिठाने का जो जो प्रयास किया ना, वो आज भी मुझे उस बात को याद करता तो मेरे आंसू निकल जाएंगे। वो ऐसे साधारण से व्यक्ति और इतना विशाल व्यक्तित्व, मतलब सोच भी नहीं सकता था कोई व्यक्ति कि आज सुबह हम मोबाइल अपना खोलेंगे और टीवी ऑन जैसी करेंगे कि ऐसी खबर हमने को सुनने को मिलेगी। बड़ा बड़ा दुखद विषय था, अपने आप में दुखद विषय है, लेकिन उनके फिल्म्स, क्योंकि वो जो मिस्टर इंडिया मूवी आई थी वहां से उन्हें जो फेम मिला था और जो उनकी डायलॉग डिलीवरी थी उस पर क्या कहेंगे आप? देखिये, वो मिस्टर इंडिया फिल्म आज भी अगर कोई व्यक्ति देखता है तो वो ऐसी एक अमिट छाप छोड़ करके गए कलाकारी के अंदर, अपने हास्य व्यंग के अंदर, कि शायद कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो जो हास्य में अपनी बात भी कह जाए उस और जो समाज की जो व्यथा है वो भी बता जाए, अपनी कलाकारी भी दिखा दे। बड़े सहज स्वभाव से वो जो जो एक्टिंग करते थे ना, वो एक्टिंग एक्टिंग दिखाने की नहीं होती, वो बड़े सहज स्वभाव से उस चीज को, वो डायलॉग डिलीवरी उनकी हो, वो सारा उनका हाव भाव वो बड़ा, वो हमें आज भी याद आता है। हम अब बैठते हैं तो खाली समय में तो अच्छा वो ऐसा ऐसी इतनी आसानी से वो चीज कर गए तो बड़ा अंदर से लगता है कि यार आज वो हमारे बीच में होते तो हमारे वो प्रेरणा स्रोत तो सदैव रहेंगे ही, लेकिन हमारे को हमारी उंगली पकड़ के हमारे वो चलते तो हमें और थोड़ा सा रहता है कि हाँ। बिल्कुल कपिल, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो बिल्कुल अपनी छाप छोड़ देते हैं और कहीं भी किसी भी पोजीशन में पहुंचने के बाद भी अपने गांव से अपनी माटी से जुड़े होते हैं, कुछ ऐसा ही सतीश कौशिक का अभी तक का समय, क्योंकि मैं देखती हूं कि उन्हें गांव से बहुत लगाव था, वो छुट्टियों में हमेशा बचपन में अपने साथियों के साथ वहाँ समय बिताने के लिए पहुँच जाते थे।
बिल्कुल, मैं ऐसा मुझे भी सुनने में आया कि क्योंकि हरियाणा उस समय, आज भी अभी तो हम ग्रो कर रहे हैं हमारी इंडस्ट्री, लेकिन उस समय कोई कोई हरियाणा से अगर कोई जाता था कि अच्छा ये हरियाणा वाला है, क्योंकि हमारी हमारी जो हरियाणा की बोली है वो खड़ी बोली है, वो उस समय अपने वाणी में सौम्यता लाना, सहजता लाना और डायलॉग डिलीवरी रखना और एक छोटी सी जगह से निकल करके एक बड़ा व्यक्तित्व बनना, विशाल व्यक्तित्व बनना, क्यों पेड़ तो कोई भी बन जाता है लेकिन बरगद का पेड़ बनना बड़ा मुश्किल होता है, वो बरगद के पेड़ था, बरगद का पेड़ हमेशा छांव ही देता है। बिल्कुल, तो कपिल एक सवाल ये भी रहेगा, आज अगर आप सतीश कौशिक को याद करेंगे तो किस बिहाफ पर उनको याद करेंगे, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी एक पर्सनालिटी होती है। उनका इतना विशाल व्यक्तित्व होने के बावजूद भी बड़े सरलता से जो वो एक दूसरे से मिलते थे ना, वो सदैव वो हर किसी में की विशेषता नहीं होती, इतना विशाल जगह पर जा करके विशाल व्यक्तित्व होकर के एक साधारण से व्यक्ति को भी अगर वो मिलते थे और बड़ी सहज स्वभाव से वो मिल जाते थे। तो मुझे अभी एक बात और याद आ गई, हमारा यहाँ पे एक संस्थान है सुपवा, पीएलसी सुपवा, पंडित लक्ष्मी चंद हमारी जो इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री के यहाँ पे संस्थान बना हुआ है, तो वो वहां पर आए और मैं कुदरती बस वहां गया ही था, तो उन्होंने वो पहचान लिया कि आप ऐसे ऐसे करके कपिल जी हैं, और जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो वो खुद भीड़ से हट करके मुझे मिलने आए। हालांकि मेरा कोई ऐसा कोई नाम नहीं, लेकिन उनको याद था कि मैं इस लड़के से मिला हूँ। देखो भीड़ में से निकल करके अपने आप को लोगों से कनेक्ट करना ना, ये उनकी खूबी थी। बिल्कुल, वो युवाओं को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन देते थे, आती थी। बिल्कुल कपिल, क्योंकि युवाओं से उनका बहुत ज़्यादा लगाव था, क्योंकि उनको पता था कि आने वाला जो फ्यूचर है वो इन्हीं का है, और कहीं ना कहीं वो उसके लिए तैयार भी कर रहे थे युवाओं को, और हरियाणा के कलाकारों को खोज भी रहे थे। एक सपना था उनका जो हालांकि अधूरा रह गया है, लेकिन उम्मीद है कि आगे सरकार इसको पूरा ज़रूर करेगी। बिल्कुल, देखिए उनका सपना यह भी था कि हम हरियाणा को एक विश्व लेवल पर लेके, क्योंकि यहाँ पे प्रतिभाओं की कमी नहीं है। आप ये समझिए, और वो बाखूबी समझते, क्योंकि वो हरियाणा की पृष्ठभूमि से निकले थे, और ग्रामीण अंचलों में बड़ा से जब वो कोई व्यक्ति निकलता है ना, तो उसकी खुशबू, माटी की खुशबू जो है उनके शरीर से भी आती थी कि हाँ ये व्यक्ति है जो जिसको पता है कि अगर कोई तप करता है तो कैसे करता है, कोई यहाँ तक पहुंचता है मुंबई, क्योंकि मुंबई जो है फिल्मी दुनिया माना जाता है, वहां पे अक्सर आदमी खो जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान भी नहीं खोने दी, अपना व्यक्तित्व भी नहीं खोने दिया, और जो भी वहां पर पहुंचा उसकी हर संभव यथासंभव मदद भी की। बिल्कुल, मदद भी की। कुछ किस्से आपको याद है कपिल की, किस तरीके से उन्होंने सफर की शुरुआत की, क्योंकि आप तो उनसे काफी जुड़े हुए भी हैं और आप उन्हें मानते भी हैं, और उनके बारे में जाना भी जरूर होगा, क्योंकि एक छोटे से शहर से, गांव से निकलकर बड़े से शहर में जाना और इतने बड़े सपनों को पूरा करना, कठिनाइयां तो होती हैं। आप भी कलाकार हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कठिनाइयां आती हैं, जबकि कोई व्यक्ति छोटी सी जगह से उठ करके एक बड़ी जगह पर पहुंचता है, सबसे पहले जो बाहरी लोग होते हैं वही कहते हैं कि नहीं ये तो बाहरी लोग है। वहां पर अपनी अमिट जगह बनाना, अमिट जगह बनाने के साथ साथ वो जो खुशबू है ना जहाँ से हम आए हैं उसको कभी मिटने नहीं देना, वो एक सौम्यतापन, इतना बड़ा व्यक्तित्व विशाल, मैं बार बार वही कहता हूँ ना, जब इंसान बड़ा हो जाता है ना तो उसका उसका घूमने फिरने का दायरा कम हो जाता है, लेकिन इनका घूमने फिरने का दायरा बढ़ गया कि मैं कहीं ना कहीं नया टैलेंट जहाँ से हो मैं वहां से लेकर के आऊँ, नई नई प्रतिभाएं जहाँ से हो मैं लेकर के आऊँ, और हरियाणा तो उनका अपना था, उनका हरियाणा उनका। बिल्कुल कपिल, चलिए बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम बातें साझा करने के लिए। तो अपने आप में आज जो भी याद कर रहा है सतीश कौशिक को, तो उनके उनके उनकी कलाकारी, उनके सौम्य व्यवहार और जिस तरीके से वो लोगों के बीच मिलते थे, घुलते थे, उसके लिए याद कर रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।